नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने की बैठक। वहीं शिवहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा को लेकर बैठक की है। उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की है। उन्होंने बताया भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है और जल्द ही 30 जनवरी को श्रीनगर में अपनी यात्रा को पूरी करेगी। पिछले 1-2-3 दिनों में यात्रा 12 राज्यों को पार कर चुकी है और जबरदस्त लोगों का समर्थन प्राप्त कर चुकी है। श्री राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चलते हुए कई जगह बैठक लोगों से बातचीत की है। जनसभा और मीडिया से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातचीत की है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, आय में कमी और सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दों को उठाया है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मंदार पर्वत से की गई है और आज वहीं खगड़िया पार हो रहा है। इसी कड़ी में जत्था 23 जनवरी को सीतामढ़ी पहुंच रही है, उसके बाद शिवहर आना है, मोतिहारी होते हुए गया जाएगी। गया में आम सभा होगा और हमारे नेता राहुल गांधी वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारे नेता राहुल गांधी ने नारा दिया है। पूरे देश को एक सूत्र में बंद कर एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने यह जानकारी दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी ने एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन की अपील के साथ जनता से इस यात्रा में जुड़ने का आह्वान किया है। और मौके पर मुकेश कुमार सिंह, मोहम्मद नसीम अख्तर, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सदाम हुसैन, रामनाथ सिंह आदि मौजूद थे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को लेकर माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने 123 दिन मोटा मोटी 12 से 13 राज्य होते हुए 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन करेंगे। उसी कड़ी को लेकर हर स्टेट में प्रोग्राम करना है और हमारे मंदार पर्वत से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरुआत किए बिहार में और आज खगड़िया पार हो रहा है, उसी कड़ी में 23 तारीख को वो जत्था आपको सीतामढ़ी पहुंच रही है। उसके बाद शिवहर आना है, शिवहर होते हुए मोतिहारी होके गया जाएगी। गया में आम सभा होगा, वहाँ भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी वहाँ आम सभा को संबोधित करेंगे। उनका यही कांग्रेस का कि नफरत को छोड़ना है और प्यार मोहब्बत को लाना है, महंगाई हटाना है और एक दूसरे को जो भी कमियाँ हैं उसको रोड पर हम लोग चलकर जो कमियाँ पूरा करना, एक साथ मिल करना। और सभी लोग को आह्वान इसीलिए कर रहे हैं कि सभी लोग आए और इस भारत जोड़ो यात्रा में सभी लोग शामिल हों। दूसरा क्या है कि शिवहर जिला में आपके माध्यम से एक मुकुंद कुमार जी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया, उस माध्यम से आईटी में एक बागमती प्रमंडल में करोड़ों रुपया, जब बाढ़ आया ही नहीं तो करोड़ों रुपया पेड़ काटने का, बांध बांधने का या उड़ाई का, किसी भी चीज़ का करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। हम शिवहर जिला के समारता महोदय से मांग करते हैं कि इनकी उच्च स्तरीय जाँच हो और इस पर FIR हो और ऐसे पदाधिकारी को जेल भेजा जाए ताकि दूसरे लोग भी ऐसा काम न कर सके।